Assalamualaikum, कैसे हैं आप लोग? होम लाइफ रेसिपी पे आपका खुशामदीद कहते हैं आपको। और आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो भी चिकन की है, चिकन लच्छा कहते हैं उसको। तो रेसिपी आप देखें, उसके बाद मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह ताला। आज हम आपको बता रहे हैं चिकन लच्छा की रेसिपी, और ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके लिए हमें इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है, चिकन आधा किलो बोनलेस स्ट्रिप में कटी हुई, ऑयल 1 कप, प्याज 2 अदद चॉप हुई हुई, 2 अदद टमाटर चॉप हुए हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, मक्खन 1 टेबलस्पून, चिली सॉस 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें और हरा धनिया, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 स्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, नमक हसबे जायका। ऑयल डाल लें और उसके साथ ही 1 टेबलस्पून मक्खन भी ऐड करें। मेल्ट हो जाने पर प्याज ऐड कर लें। प्याज को ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, सिर्फ कलर चेंज हो तो फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लीजिए। उसके बाद ये स्ट्रिप में कटी हुई चिकन वो शामिल कर लें, और जब तक हिलाएं कि जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए। और जब चिकन का कलर व्हाइट कलर में आ जाए उसके बाद आप बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें। ब्लेंड हुए चॉप हुए हुए टमाटर, चिली सॉस, लाल मिर्चें, कूटी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक। कूटी हुई और लाल मिर्चें दोनों यूज कर सकते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स अच्छी तरह से भून लें। हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करके फाइनली अच्छी तरह भून लें 15 मिनट्स बाद। फिर डिश आउट कर लें। और एंड में गरम मसाला स्प्रेड कर दें। चिकन लच्छा रेडी है। देखा आपने, चिकन लच्छा है रेडी। तो ट्राई करें आप लोग, चिकन का रेसिपी हम लोग बनाते हैं और ये बनती भी आसानी से है। इंशाल्लाह ताला आप लोग ये ट्राई करें। कुकिंग जो है वो एक फन है, मुझे नहीं पता था इसका, लेकिन जब से मैंने ये अंबर के साथ चैनल शुरू किया है तो मुझे ये एहसास हुआ है कि ये कुकिंग जो है वो एक वाकई में जो टैलेंट है। अगर आप अच्छी कुकिंग करते हैं या करने की सोचते हैं तो मैं कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा फन है, आप लोग इसको सीखें। और फिर वही बात, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिले। देखते रहें हमारा चैनल होम लाइफ रेसिपीज। अल्लाह हाफिज़।